आपने एक चिड़िया का बच्चा देख लिया, पंखे को लग के गिरा, बस अब वो चिड़िया का बच्चा जहन में बैठ गया और वो अब वो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि वो कहेगा कि अब इस चिड़िया के बच्चे को जो जो इमोशन उसको ट्रिगर कर रहा है अब उसको ढूंढो अपने अंदर से और उसको बाहर निकालो, है ना. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु कुड हैव बिकम अ सीरियल किलर और वो आर्टिस्ट बन जाते. तो आप मेरे ख्याल से बड़ी हद तक टॉर्चर होने से बच जाते हो. अच्छा, अपना अंदर से गुबार निकाल के कहीं और रख दे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट बीनी शारजू, वेलकम टू करियर कैंप. आज हम बात करें, एक्चुअली आज दो लोग बैठे हुए हैं लाहौर कॉलेज के ग्रेजुएट्स जिन्होंने फाइन आर्ट्स में इंटर किया था. एक उनमें से वो है कि जिसको टीचर बुला के कहती थी आप जोकर हैं, आप हंस क्यों रही हैं. दूसरी वो है कि जो इतना अच्छा काम करती थी कि सब टीचर क्या सब बच्चे भी इकट्ठे होकर ना देखते थे कि वाह ऐसी ड्राइंग होती है, सना कहाँ से सीखा है. तो वेलकम सना, इट्स सच अ लवली थिंग कि आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आज लाइक इधर बैठ के बात कर रहे हैं ना. इट्स बिन लाइक हम 2012 में ग्रेजुएट हुए थे, इट्स 2024 नाउ, 12 ईयर्स ओल्ड फ्रेंडशिप है ना. और माशाल्लाह माशाल्लाह नाउ यू हैव बिकम सच अ फेमस विजुअल आर्टिस्ट. First of all, congratulations. And you are blessed. You are one of the talented people I know. ठीक है. और ये तारीफें हो गई हैं. बाकी मेहनत भी बाकी मेहनत भी बहुत करती थी माशाल्लाह. ये उन बच्चों में से थी जिसने कुछ नहीं बोलना, बस लगे रहना है स्केच बुक पकड़ के, पेंसिल पकड़ के. जो बच्चे इस तरह के नहीं है ना, आपने उनको टिप्स देनी है. नहीं नहीं, मैं उनसे कहूंगी कि इस तरह का ना बनो. ना अच्छा, लाइक बी मोर एक्सप्रेसिव, यू नो, बी मोर वंडरफुल. आई सफर ड्यू टू दैट. क्यों है ना बेनिश, पता है क्या, आर्ट मेकिंग इटसेल्फ बड़ा ही आपको वो कर देता है, गिरा देता है थोड़ा बहुत. इट्स अ वेरी हम्बलिंग प्रोसेस. या इट इज, या इट इज, यू नो, मुझे लगता था कि शायद ये मेरे साथ सीन है, लेकिन व्हाई एक्चुअली आई थिंक इट इज दिस वे कि इट हम्बल्स यू डाउन, है ना, इट ब्रेक्स यू डाउन बिकॉज़ उसके उसकी जो प्रोसेस है ना ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑब्जर्विंग टेकिंग एवरीथिंग इनसाइड यू, है ना, आपको कहीं ना आपको अच्छी आउटलेट चाहिए. आपको स्टूपिडिटी इज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट, है ना, समटाइम्स. तो मैं बड़ा, मैंने बड़ा सफर किया इस वजह से कि मैं इतनी सीरियस और इतनी ज्यादा हर वक्त अपने काम पे फोकस, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरी कहाँ गई यूनिवर्सिटी. इवन इन एनसी आल्सो माय फर्स्ट टू इयर्स वर वेरी साइलेंट. हाँ. मैं साइलेंट मूवी में जिंदा रही. उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, उसके बाद मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया. यू नो व्हेन टू पीपल मीट देयर शुड बी एनर्जी, कलैप्स करे एक दूसरे के साथ, है ना, बजाय कि एक बंदा गूंगा बन के बैठा रहे, दूसरा दीवार के साथ टकरे मारता रहे उसके साथ बैठ के. तो यार, बट क्या आई थिंक, बट एक पॉजिटिव एनर्जी फिर भी होती है हर, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक एनर्जी फिर भी हर बंदे की होती है. एंड यू हैड पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स व्हाई आई एम, यू नो, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद यू. बी यू नो, आप खुशकिस्मत हो. थैंक यू. मैं अभी सजदे में जाती हूं. तो नहीं यार, सीरियसली, लाइक मैं अभी तक अगर किसी को बताती थी ना कि यार मेरी क्लास में एक बच्ची थी जो टैलेंटेड थी और जब यहाँ पहुँच गया माशाल्लाह. टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी, ठीक है, कि लाहौर कॉलेज से इंटर किया फाइन आर्ट्स में, इवन बिफोर दैट यू डिड सम कोर्सेज और डिप्लोमाज किए थे, ठीक है, इसमें सारा कुछ, और अब ना मतलब एनसीएल से ग्रेजुएट किया एज अ विजुअल आर्टिस्ट, फिर एग्जीबिशंस भी की, इंटरनेशनली भी की माशाल्लाह, नेशनली भी की. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, वट इज़ योर पर्सनल, लाइक वो एक होता है ना पर्सनल टेकआउट जो आप एक लेते हो सारी से, आपने एक चीज़ सीखी होती है, वो क्या है?
एजुकेशनल से पहले आप बताओ, देन वी कैन यू नो मूव फॉरवर्ड टू करियर. अच्छा द लॉजिकल थिंग इज कि आई वेंट टू नक्स स्कूल ऑफ आर्ट्स मैट्रिक के बाद. आई वाज वेरी मच श्योर कि मैंने यही करना है. ठीक है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी. मुझे पता था ना मैंने साइंस में जाना है, मैथ्स मुझसे होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता. तो मुझे पता था कि मेरे लिए फाइन आर्ट्स की ही फील्ड है. ठीक है, तो उसके बाद लाहौर कॉलेज चले गए, वहाँ से इंटर किया तुम्हारे साथ. देन आई वेंट टू एनसीए, फिर मास्टर्स भी एनसीए से ही कर लिया कोविड के टाइम पे. ठीक है, अभी वहीं पर हूँ. पर मुझे बस ये लगता है कि इस सब के बीच में जो मेरे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग वाला जो था ना, एक ब्रेक जो आके आपको धक्का देता है, दैट वॉज बींग इन एनसीए, दैट वॉज बींग अ फाइन आर्टिस्ट इन एनसीए. क्योंकि वो दुनिया इतनी फ्लेक्सिबल है. आई कैन वेयर अ धोती शलवार, आई कैन पेंट माई सेल्फ ब्लैक एंड गो टू क्लास, नो बडी विल क्वेश्चन मी. आपने वहाँ पंजाबी बोलो, पश्तो बोलो, अंग्रेजी बोलो, लेट के पेंट करो, पेंट करो, नाचते हुए पेंट करो, सब पेंट करो. मतलब डिसिप्लिन की ना लव्स ही वहाँ धजिया नहीं है ना बिनिश. डिसिप्लिन का हमने एक और साइड देखी है कि एंड रिजल्ट मैटर्स. प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत मैटर करता है. हमने एंड पे थोड़ी ना किसी बैंकर की तरह ये रकम यहाँ से वहाँ गिन के पहुंचाना है. यू आर एन आर्टिस्ट, तो एटलीस्ट वो प्रिविलेजेस जो मिलती है एक आर्टिस्ट को एंजॉय करो ना, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, है ना. Which like in PIFD we were like whole different thing. हम discipline और वो चीज़ें और ज़्यादा हमें ना instill की. जो नहीं भी discipline था ना, वो भी discipline होकर निकलता है वहाँ से. So it's like NCA तो खैर I am still a fan of NCA even मतलब now after such a long time. NCA ने किस तरह से मतलब better, मतलब एक तो ये किया ना कि मतलब उसको enjoy करना सिखाया. ठीक है, वन मोर थिंग दैट यू कैन से अबाउट एन सी ए कि वो जो है ना उसने आपको ये चीज़ आर्टिस्ट के तौर पर किस तरह और बेहतर किस तरह किया है. द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, द वैल्यू, द प्रेजेंस ऑफ इट कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं हिस्ट्री भी पढ़ूंगा, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ूंगा और मुझे पॉलिटिक्स का भी पता होना चाहिए. एन सी ए के जो एंटी टेस्ट होता है उसके अंदर आपको जर्नलिस्टिक अप्रोच भी वो आपकी देखते हैं, कम्युनिकेशनल स्किल्स देखते हैं, आपकी रिलीजियसली बायस्ड हो कि नहीं ये भी देखते हैं. मतलब सब मिलके आ रहा है कि आप किस तरह के इंसान हो, किस तरह के इंसान आप सोसाइटी में हो, फिर उस तरह से आप कैसे आर्ट प्रोड्यूस करोगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब द आई थिंक द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी जो बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में होता है कि कॉन्स्टेंटली यू आर वेरी अवेयर. फॉर एग्जांपल अगर तुम क्लास के अंदर आ रही हो, यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर एक्शंस, योर प्रेजेंस. एग्जैक्टली, तुम अपने दिमाग को भी सवाल कर रही हो, दिल से भी पूछ रही हो, बाहर क्या हो रहा है ये भी देख रही हो, है ना. बहुत कम डिग्रीज होती हैं, बहुत कम डिसिप्लिन होती हैं जिनमें आपका दिल दिमाग कॉन्स्टेंटली इट्स वर्किंग. मैं रात को सोते हुए भी नहीं सोती. अच्छा, मेरा दिमाग हर वक्त जाग रहा होता है. आपने एक चिड़िया का बच्चा देख लिया, पंखे को लग के गिरा, बस अब वो चिड़िया का बच्चा जहन में बैठ गया. और वो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि वो कहेगा कि अब इस चिड़िया के बच्चे को जो इमोशन उसको ट्रिगर कर रहा है, अब उसको ढूंढो अपने अंदर से और उसको बाहर निकालो, है ना. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु कुड हैव बिकम अ सीरियल किलर और वो आर्टिस्ट बन जाते. तो आप मेरे ख्याल से बड़ी हद तक टॉर्चर होने से बच जाते हो. अच्छा, अपना अंदर से गुबार निकाल के कहीं और रख देते हो. सच अ नाइस पर्सपेक्टिव, मतलब सच अ नाइस पर्सपेक्टिव रियली. और मेरे ख्याल से कि जो मुझे लगता है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ लोग जाते हैं ना, वो वैसे भी थोड़े से नेचुरली उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है दिल में, एंड दे आर मोर हम्बल और वो चीज होती है ना उनमें, थोड़ी जस्ट इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेचर एंड ह्यूमैनिटी. और मतलब मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ आई वगैरह किसी में भी, लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर नॉट बीइंग बायस्ड हियर, लेकिन हम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब वी लाइक being around nature और इस तरह की चीज़. यू नो मैं आपको एक दफ़ा बताती हूँ कि आई यूज़ टू ना, लाइक हम जब ड्राइव पे जा रहे होते थे, अच्छा मौसम होता था और ऊपर से अगर गाने मिले, तब आतिफ असलम नए आया था, यू नो आदत और वो सारे गाने. तो अगर मैं खो जाती थी ना, तो मुझे मेरे कजन्स मजाक उड़ाते थे कि बहन कहाँ चली गई, वो ये गाने ऊँची करो इसको, और मतलब ये एरा में अलहदा चली जाती है. बट आई यूज टू लव दैट टाइम कि जब आप वो ना एक मेमरी सी बन जाती है, यू नो द स्मेल, द यू नो द कूल एयर, द कूल ब्रीज यू कैन फील अगेंस्ट योर स्किन और वो सारा कुछ. और फिर अक्सर आप घर में बैठे हुए पौधे देख रहे हो और उसका शेडो कास्ट हो रहा है, उसकी एक अलग प्रेजेंस होती है.
है ना, और मतलब वो मिट्टी की खुशबू बारिश के बाद, हाँ, ये वाले हाँ, लोग होते हैं हम हाँ. तो ये वाली चीज जो है ये मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि एनसी उसको और एनहांस कर देता है ना हाँ. और मतलब हमने यही सुना हुआ है एनसी के बारे में, सुना भी यही सारा कुछ हुआ है. एक और चीज हमने एनसी के बारे में सुनी हुई है विच इज बिट लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल कि भी एनसी बहुत खराब है. अच्छा हाँ, जिस बच्चे ने खराब होना है ना वो एनसी चले जाए कि वो आजादी को ना गलत तरीके का इस्तेमाल हम एनसी सिखाते हैं जी आपको. पता विनेश, इज इट ट्रू? इस मुल्क में या इस कौम की सबसे मजे की बात मुझे कभी कभी लगती है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती ना वो गलत है, गलत होगी ना. जो चीज हमारी प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन नहीं करती वो गुनाह है. तो एनसीए खराब क्यों है, अब आप इसको क्वेश्चन ये करो, क्योंकि वहाँ पे यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ मतलब एक्सेप्टेंस है वहाँ पे. आपने अगर किसी किस्म की रिलीजियस कमेंट्री करनी है ऑन सर्टेन लेवल, वो आपको एक रूम जरूर देंगे कि आप इस पे बात करके देखो. पॉलिटिकल कमेंट्री करनी है इस पे बात करके देखो. आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बड़े वैल्यू हमारी कोशिश होती है. इवन मी एज अ टीचर, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि बच्चा अगर मुझे कहता है कि मैम मुझे प्रॉपर एंग्जाइटी अटैक्स आएंगे ये सब करने से, तो आई वैल्यू हिज और हर ओपिनियन बहुत ज्यादा. दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में टैबू है. एग्जैक्टली, ये क्यों पहने, ये क्यों गाए, ये क्यों खाए, यहाँ क्यों बैठे, यहाँ क्यों जाए. तो जाहिर सी बात है जब वो कल्चर एक जगह प्रोवाइड कर रही है कि यार आर्टिस्ट जब तक ऑनेस्ट नहीं होगा, जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा, काम बनाएगा. झूठा आर्टिस्ट तो काम ही नहीं बना सकता. मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आपने इस टेबल से बाहर नहीं निकलना, इसमें बैठ के अपनी जिंदगी में जो करना है करें, मर जाओगे तुम अंदर से. अच्छा, और ये बड़ी बड़ी बेसिक और बड़ी एक आप कह लो इम्पोर्टेंट बात है. हमें भी ये बताई गई थी बिकॉज सिंस PIFD इज अ डिज़ाइन यूनिवर्सिटी एंड NCA इज एन आर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इट्स अ मेजर डिफरेंस. हमें ये एक्चुअली फर्स्ट वीक में बताया गया था, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन. अच्छा, वो इसी तरह है कि आर्टिस्ट जो है ना वो अपनी फीलिंग्स और अपनी थाट्स, जो भी उसकी सोच है ना, उसको आर्ट की शक्ल में लेकर आती है एंड दे कैन सेल दैट, ठीक है. बट जो डिज़ाइनर होता है ना उसने अगले की ज़रूरत, ठीक है, और अगले की जो डिज़ायर होती है ना उसको एक प्रोडक्ट में चेंज करना होता है. अच्छा, आई डिसएग्री विद दैट. अच्छा, हाँ, ऑन अ प्रिंसिपल लेवल आई अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन. सही हो गया. NCA में भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, राइट. मैं तो पढ़ा भी टेक्सटाइल डिज़ाइन में और मेरी दोनों डिग्रीज फाइन आर्ट्स में. पर मुझे लगता है कि जितना रिबेलियस अगर आप हो ना, एज अ डिजाइनर भी हो आप, अच्छा, एज अ सिंगर भी हो, एज अ फिल्म मेकर भी हो, सही हो, मतलब इवन द व्हाट वी वेयर शोज आर रिबेलियन. कट इधर से इधर जाएगा, पता चल जाता है कि ये बंदा कुछ बताना चाह रहा है किसी, वो अलग बात है, क्या डिबेट होगी इधर की जगह इधर कराई है, तो वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना. दुपट्टा सर से कंधे पे आया या कंधे से मुंह पे आ गया, पूरा इट्स एन ओपिनियन जो आप बना रहे हो, है ना. तो वो ठीक है, ऑन मेरे ख्याल से ऑन प्रिंसिपल लेवल आर्ट एंड डिजाइन की जो हमने एक स्पेसिफिकेशन बनाई है वो अलग बात, बट ये दोनों ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहते कॉन्स्टेंटली. आई पेंट ऑन कैनवस विच इज अ कपड़ा, राइट. टेक्सटाइल मटेरियल पे मैं पेंट करती हूँ. मैं किसी को आंसरेबल नहीं होती मेरी पेंटिंग्स के लिए, बट क्रिटिसिज्म मेरे पर भी आता है. यू नो, व्हेन आई डिस्प्ले माई पेंटिंग्स फॉर पीपल, तो उन तक चला गया ना जो डिजाइनर करते हैं, तो काम तो मैं भी बाहर निकाल रही हूँ. हाँ, एंड देन फॉर डिजाइनर्स एज वेल, आई थिंक यू कैन. मैं अभी पिछले दिनों NCA में एक असाइनमेंट की बात पे बात करी थी कि पॉलिटिकली बैनर्स सर पे आप जो दुपट्टा बांधते हो या फिर जो बाजू पे पट्टी बांधते हो, क्या ये टेक्सटाइल नहीं है, क्या ये डिजाइन नहीं आता, हम तो घिरे हुए ना उस चीज से. आप कैसे द यूज ऑफ दुपट्टा, यू नो, द यूज ऑफ खुले कमीज या तंग कमीज, योर नेशनल आइडेंटिटी, लाइक ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी आर्टिस्टिकली चैलेंज्ड की सारे फिनोमेनाज है. इसलिए मुझे ना कोई खास समझ नहीं आती, नहीं आती कि आर्ट ये है और डिजाइन ये. अच्छा, मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ बी एक्सप्रेसिव. इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि मैंने मुझे ना ये चीज बल्कि ये बात सही है कि बीइंग अ डिजाइनर जब ये सारी चीजें सीखी थी ना, आई फेल्ट दैट कि ये गैप है. हाँ. क्योंकि जब तक आप, अच्छा, हमारी ना कुछ एक दो एक्सरसाइजेज होती थी जिसमें हमें कहा जाता था आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बेस करके ये डिज़ाइन करो ना, एंड आई यूज टू स्ट्रगल. मुझे पता ही नहीं होता था मैं क्या हूँ, लाइक सीरियसली आई यूज टू क्राई और लाफ अबाउट इट, और मेरे एंड रिजल्ट बहुत गंदा निकलता था.
और आई थिंक कि अगर वो कवर किया जाता ठीक है करिकुलम में या इवन टीचर्स के थ्रू या किसी भी तरह से तो दैट वुड नॉट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर मी और मैं शायद ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट या डिज़ाइनर होती. तो दैट इज़ ट्रू. नाउ आई कैन यू नो रिलेट टू इट कि ये बात है. इवन एज अ डिज़ाइनर यू नीड टू रिकग्नाइज योर सेल्फ. बहुत हाउ डू यू डू दैट अगर आपको नहीं सिखाया जा रहा. इट्स अ कॉन्स्टेंट टॉर्चरस प्रैक्टिस. अच्छा कि तुमने अब तुम अपनी हर छोटी छोटी चॉइस को क्वेश्चन करो. अच्छा सो वट यू ईट इज वेरी मच रिलेटेबल टू वट यू वेयर आफ्टर दैट है ना. एंड वट यू वेयर विल बी वेरी मच रिलेटेबल टू हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन पब्लिक ऑल्सो. एक चीज दूसरी की कड़ी बन के निकलती है ना. तो एज अ अगर आपने इसको करिकुलम में एडजस्ट करना है ना तो आप साइड पे जैसे मुझे लगता है कि मेरी पोजिशन इस वक्त अगर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एज अ फाइन आर्टिस्ट बड़ी हद तक बच्चों के लिए फायदेमंद ये हो सकती है कि मैं उनको नॉन लॉजिकल स्टांस बहुत ज़्यादा दे सकती हूँ खड़े होकर कि अच्छा अगर तुम लेट्स से तुम लहंगा बना रही हो ठीक है तुम क्यों बना रही हो. अगर तुम्हारी फैसिनेशन है विद द शादी का जोड़ा तो क्यों है कि अंदर से क्या पीछे पीछे से क्या वजह आ रही है जो तुम्हें शादी के जोड़े तक ही रोक रही है ना. या अगर कोई बच्चा लेट्स से कि मेरे पास आकर ट्रेडिशनल गारमेंट्स को मॉडर्न कल्चर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज समथिंग आई डोंट लाइक बट स्टिल चलो ये बहुत ज्यादा हो रहा है फ्यूजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज है जो पिछले को भी नहीं छोड़ पा रही और अगले को भी लेके जा रही है. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आपकी आइडेंटिटी इसमें क्या है. तुमने ये रंग क्यों पहने. तुम रंग क्यों पहनती हो है ना. तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हो. इसमें तुम सीधी सीधी चलती फिरती मुझे नजर आ रही हो राइट. पर तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना ये सारी की सारी चीजें. तो आपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली आई थिंक देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन एन आर्ट टीचर और अ साइकाइट्रिस्ट है ना. सही हमने भी बैठा के सुनते रहना है उसको. हमने भी बैठ के कहना है कि अपने दिल की बात निकालो बताओ कि तुम्हारे अंदर से क्या आवाज निकल रही है. बिकॉज इतनी सुपरफिशियल चीजें नहीं होती. नहीं होती वो तो ये तो बात सच है. आप जहाँ मर्जी चले जाओ मतलब नो मैटर व्हाट यू डू. अच्छा और इवन अभी भी हम साईफाई मूवीज भी अगर देखें जो आती है 25 इयर्स लेटर ग्रे स्ट्रक्चर और सारी गंदी गंदी बिल्डिंग्स बना के जीप से रोबोटिक्स सा उसमें भी कहीं ना कहीं आप ह्यूमैनिटी का एज और वो एकदम वो आ जाता है. तो दैट इज ट्रू कि जो बंदे की नेचर है ना वो एंड में जाके हमारे में कहीं ना कहीं फ्लॉज भी हैं हमारे में. हम इतने रोबोटिक नहीं हो सकते. नहीं है मैं कल अगर मॉल गई हूँ ना कल ही मैं गई थी तो मुझे अगर एक ही तरह के डिजाइन हर ब्रांड के अंदर नजर आ रहे हैं और फिर मुझे एक ही तरह की लॉट यू आर सिक ऑफ इट ना. बट यू नीड टू क्वेश्चन कि ये एक क्यों आ रही है. एक क्यों आ रही है. इंडिविजुअलिटी कहाँ चली गई है. बिकॉज़ वी स्टॉप्ड मेकिंग आवर ओन क्लोथ्स. एग्जैक्टली. तो जब मैं अपना कपड़ा अपनी मर्जी से डिजाइन करवा के सिलवाती हूँ ना तो वो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करती हूँ. और अब अगर अपनी पसंद के हिसाब से अब बिकॉज इट्स सो इजी कि आपने जाके खाड़ी उठा लिया जनरेशन उठा लिया फिर वो एक पूरी आवाम ने भी वो पहना होगा. वही पहना होता ना. ठीक है गलत है कि ये अलग डिबेट है. आपको पता जरूर होना चाहिए कि आप एक लॉट का पार्ट बनते जा रहे हैं. इवन व्हेन यू लुक एट ऑडियंस मॉल की ऑडियंस जो आई होती है वहां पे यू सी द सेम क्लोथ्स ऑल द टाइम. ऐसे ही है ना. वो हो सकता है कि हर वक्त में ऐसा ही होता हो बट आपको पता है कि आप उस बंदे के. हाँ एंड आई रिमेम्बर मेरी अम्मी कहती होती थी वो यार मैंने जोड़ा पहने उस औरत ने भी पहना तो मैंने भी पहना. ये होता था बहुत ज्यादा पहले और अब भी होना शुरू हो गया. लेकिन अब इस यहाँ पे आके लोग रुक जाते हैं कि इस ब्रांड का नाम है. हाँ सो इट्स द ब्रांड दैट मैटर्स नॉट योर पर्सनालिटी. आई एम वेयरिंग दिस ब्रांड दैट इज इनफ फॉर मी. डिजाइन सेम भी हो जाए तो व्हाट अ लवली. वैसे अगर इसको देखें अगर इसको डीकंस्ट्रक्ट करें कि अगर तुम मुझे कहो कि मैंने मारिया भी पहना हुआ है. हाँ तो तुमने मारिया बी पहना होगा. या मारिया बी ने तुम्हें नहीं पहना होगा. सो मारिया बी इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू. एग्जैक्टली. माय पर्सनालिटी इज समवेयर एल्स. अब मैं बस आई एम मतलब मैं प्रेजेंटेबल हूँ क्यों बिकॉज आई एम मारिया बी. आई एम नॉट प्रेजेंटेबल बिकॉज ऑफ माय पर्सनालिटी और माय थॉट्स. यही बात है. अच्छा हम आ गए असल मुद्दे पे कि हम ना अब जो ह्यूमन टच है ना वो क्यों लूज करते जा रहे हैं. आई थिंक NCA स्टिल हैज दैट और उसको क्रिटिसाइज भी इसलिए किया जाता है शायद. ठीक है क्योंकि सोसाइटी के लिए ना जहाँ पे रोबोट्स हो जाएं या जो सिस्टमैटिक तरीके से लोग चले जाएं ना चल रहे हैं और आपकी बात मान लेना वो बड़ा आसान होता है लीडर्स के लिए. जहाँ पे थोड़े से रिबेलियस
लोग आने लग जाएं या जो अपनी मर्जी करना चाहते हैं वो उनके लिए हमेशा बुरे निकलते हैं, ठीक है. एंड आई थिंक NCA डज दैट, ठीक है. NCA हैज दैट फ्रीडम. तो ये वाली जो चीज़ है कि आपका जो आई थिंक ह्यूमन टच और एक आपकी अपनी सोच, अपनी चीज़ और एक ये जो मज़े का वो जो होता है ना, आपको अल्लाह ताला से भी शायद जो जोड़ देता है या नेचर से, चाहे आप नहीं भी बिलीव करते हो, अब तो ये भी बोलना पड़ता है. तो तो वो बात है कि आप उसको कैसे मजीद इन्हांस कैसे करो, क्या आप एक वो वाला टच ह्यूमैनिटी वाला या एक इंसानियत वाला पर्सनैलिटी आपकी अपनी निकले, ठीक है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, हाउ डू यू इंस्टिल दैट इन योर आर्ट और डिज़ाइन? हाँ, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई थिंक मेरे दिमाग में जब तुम बात कर रही थी तो कुछ ये आ रहा था, दैट पावर ऑफ क्वेश्चनिंग को हमने कितना फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा ना? मतलब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या मैं कभी कभी खानदान में जब अपने रिलेटिव्स में बैठती हूँ और कहते हैं भाई हमारे बच्चे बड़े शरीफ हैं और उसको वो शराफत का मेयार बताते हैं, इन्होंने आज तक हमें सवाल नहीं किया, सवाल नहीं किया. आपके बच्चे डंब हैं, उल्लू हैं, उल्लू भी ज्यादा सोचता होगा, ठीक है. इसका मतलब यू फेल्ड एज अ पेरेंट, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ठीक है. लेकिन बट दे आर सो प्राउड ऑफ इट, दे आर प्राउड ऑफ डंबनेस. क्या पता है पेरेंटिंग वाली, तो मैं इस पे शायद उस तरह से बात नहीं कर सकती. पेरेंटिंग मुझे लगता है कि देयर इज नो गुड पेरेंटिंग क्योंकि इट्स सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर पेरेंट बेचारा पागल हो ही जाता है, किसी का दिल नहीं करता कि मेरा बच्चा खराब हो या बुरा निकले. लेकिन हम वो कर जाते हैं ना कहीं, मेरे ख्याल से जहाँ पे आपकी वो शो ऑफ वाली बात आती है ना, हर पेरेंट, जब आप वही बात है सोसाइटी को दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए जब कोई चीज करते हो ना तो उसका नुकसान हो जाता है. आई थिंक तुम्हारी जब तो पावर ऑफ क्वेश्चनिंग वाली जो हम बात करें ना बिनिश, कि अगर एक क्लास के अंदर एक बच्चा कॉन्स्टेंटली पूछी जा रहा है क्यों क्यों, इसका भी जवाब दें, वो टीचर को भी ना हिला देता है थोड़ा सा. एंड आई हैव सच स्टूडेंट्स जो कहते हैं मैम ये असाइनमेंट क्यों दिए, फोर्थ ईयर को ये क्यों दिया, हमें ये क्यों दिए, हम क्यों मॉडल स्टडी करें, हम अभी तो डिजिटल दौर आ रहे हैं, हम क्यों बैठ के जमीन पे 8 घंटे की ड्राइंग करें. तो यू नीड टू कम अप विद गुड आंसर्स, और अगर नहीं है तो फिर चेंज करो उसको. इट कीप्स यू ऑन योर टोज़ टोज़, हाँ, आप बदलो, फिर आप अपना करिकुलम चेंज करो, निकालो फिर उस चीज को बाहर, क्योंकि अगर वो उस जनरेशन की लैंग्वेज नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़ा सकते. यू सी, या तो आप अच्छे से जस्टिफाई करो ना, जस्टिफाई करो, या फिर आप पार्ट ऑफ चेंज करो. अच्छा, अब ये जो हम पार्ट वन कम्स टू एन एंड, बट दिस इज अ कॉन्टिन्यूस कॉन्वर्सेशन. अगर आप इसको कॉन्टिन्यूली देखना चाहते हैं तो आप पार्ट टू देखिएगा, ठीक है, विच वी विल अपलोड नेक्स्ट डे. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो.